अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही वहां के हालत दिन पे दिन खराब होते जा रहे हैं। तालिबान के डर से लोग देश छोड़ने पर मजबूर हैं। राजधानी काबुल के एयरपोर्ट में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भीड़ को काबू करने के लिए तालिबानी आतंकी हवा में अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं। इसी बीच पिछले दिनों काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की चार दीवारी में एक अफगान बच्चे का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वीडियो में देखा गया कि एक बच्चे को उसके पिता अमेरिकी सैनिकों को सौंपते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे को सौंपे जाने के बाद अमेरिकी सैनिक उसे अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। ये जानकारी अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने शुक्रवार को दी। जॉन किर्बी ने बताया कि उनके माता पिता ने अमेरिकी सैनिकों को बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा क्योंकि बच्चा बहुत बीमार था। अमेरिकी सैनिकों के पास बच्चा आते ही उसे एयरपोर्ट के नजदीक ही नॉर्वेजियन अस्पताल ले जाया गया, जहां उस बच्चे का इलाज किया गया और बाद में बच्चे को उसके पिता को लौटा दिया गया। किर्बी ने कहा कि ये एकमात्र ऐसा उदाहरण था जिसके बारे में उन्हें पता था और ये अमेरिकी सैनिकों के दयालुता और उनके कर्तव्य का कार्य था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि बच्चा अब कहाँ है, क्योंकि इलाज के बाद उसे पिता को सौंप दिया गया था। बता दें कि अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो काबुल एयरपोर्ट को अपने कब्जे में बनाए रखना चाहता है। सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वर्चुअल मीटिंग में इस आशय का फैसला किया है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अभी नाटो देशों के 18,000 से ज्यादा नागरिक वहां से बाहर निकाले जा चुके हैं। इससे कई गुना ज्यादा विदेशी नागरिक अभी भी काबुल और बड़े शहरों में मौजूद हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।